स्वतंत्रता सेनानी एवं कल्याण संघ ने हमीरपुर में अहम बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कालिया ने की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उत्तराधिकारियों को सुविधाएं देने के फैसले का संघ ने स्वागत किया और फैसले को लागू करने के लिए सरकार से मांग की गई। स्वतंत्रता सेनानी एवं कल्याण संघ ने हमीरपुर में अहम बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष पुरुषोत्तम कालिया ने की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उत्तराधिकारियों को सुविधाएं देने के फैसले का संघ ने स्वागत किया और फैसले को लागू करने के लिए सरकार से मांग की गई। संघ ने स्वतंत्रता सेनानी आश्रित परिवारों के लिए कल्याण बोर्ड गठित न किए जाने पर ऐतराज जताया और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की। बैठक में स्वतंत्रता सेनानी एवं कल्याण संघ ने दाढ़ी में शहीदी स्मारक के नहीं बनाए जाने पर रोष व्यक्त किया गया और नौकरियों के लिए 2% आरक्षण की मांग की गई। इसके साथ ही मांगों में स्वतंत्रता सेनानियों का हाउस टैक्स माफ किया जाए और एमपी वो एमएलए की तर्ज पर बैंकों से लोन लेने पर ब्याज न देना पड़े। बैठक में चर्चा की गई कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के बच्चे बेरोजगार हैं, जिन्हें जल्द नौकरियां प्रदान की जाए। स्वतंत्रता सेनानी एवं कल्याण संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कालिया ने बताया कि संघ की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और जल्द सरकार के समक्ष मांगों को पूरा करवाने के लिए रणनीति तैयार की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया गया, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी को भी सारी सुविधाएं मिले। उन्होंने बताया कि कई बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर कल्याण बोर्ड को बनाने की मांग की जा रही है और जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की जाएगी। जिला स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण संघ की एक बैठक कश्मीरी कम्प्लेक्स में आयोजित हो रही है। इसमें लगभग 30 व्यक्ति जो हैं वो जिले के विभिन्न भागों से आए हैं। काफ़ी दिनों से हमारी मीटिंग नहीं हो रही थी और आज ये मीटिंग हमने रखी है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याएं जो हैं वो सरकार के पास भी बहुत अधिक पेंडिंग चली हुई हैं। उन पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और उन समस्याओं को हम फिर सरकार के पास उठाएंगे ताकि उनका समाधान जो है वो जल्दी से जल्दी निकल सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे हक में एक फैसला आया है कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो स्वतंत्रता सेनानियों को मिलती हैं। इस फैसले बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले को हम भारत सरकार के पास जो है वो जा रहे हैं ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये जो मांग हमारी सुप्रीम कोर्ट से मानी गई है, इसको जल्दी से जल्दी इसका बेनिफिट जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को मिल सके। इसके साथ सबसे बड़ी जरूरी चीज़ जो हमारी इस सरकार के साथ हिमाचल सरकार के साथ चली हुई है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार बात की, उनको हमने पत्र भी लिखे कि हमारा एक बोर्ड जो कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश में बनता है उसको शीघ्र से शीघ्र गठित करके उसमें आश्रित परिवारों के सदस्यों को भी नामजद किया जाए। इस डिमांड के लिए हम जल्दी ही फिर मुख्यमंत्री जी से मिलने शिमला जा रहे हैं ताकि इस पर शीघ्र अमल हो सके और स्वतंत्रता सेनानी की जो हमारी डिमांड्स हैं और मांगे हैं उन पर जल्दी से जल्दी फैसला हो सके। इसी तरह 3 साल पहले दाढ़ी में हमारा एक शहीदी स्मारक बनना था, जिसका शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी ने किया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हो सकी है। हमने डीसी धर्मशाला को भी चिट्ठी लिखी है कि इस काम को जल्दी से जल्दी फिर पूरा किया जाए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसे प्रेरणा ले सके। इसी तरह से हमने एक हमारे जो बच्चे हैं नौजवान आगे पोते और पोतियाँ स्वतंत्रता सेनानियों की, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। हमने सरकार से आग्रह किया है कि उनका बैकलॉग जो है जल्दी से जल्दी भरा जाए और जो हमारा आरक्षण 2% है उसको 5% किया जाए ताकि कम से कम नौकरियाँ मिल सकें। 2% आरक्षण में 100 अगर पोस्टें निकलती हैं तो 2 मिलती हैं, लेकिन अगर 40 पोस्टें निकलती हैं तब भी हमारे को कोई नौकरी मिलती है। इस तरह से हमारा कुछ बैकलॉग जो है वो पीछे से खाली चल रहा है। सरकार से हमने आग्रह किया है कि उसको शीघ्र से शीघ्र भरा जाए। इसी तरह से हमने कहा है कि हाउस टैक्स जो है स्वतंत्रता सेनानियों का उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके परिवारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको इतना सा बेनिफिट जो सरकार दे और एमपी और एमएलओ की तर्ज पर जो उनको ऋण की सुविधाएं प्रदान की गई है या कोई कार्य करने के लिए ऋण दिया जाता है बैंकों से, उस पर कोई ऋण जो ब्याज जो है वो ना लिया जाए। ये भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि उस पर भी अमल किया जाए। तो हमारी इस तरह की और डिमांडें हैं, लोगों की अपनी समस्या भी आई हैं और
जो हमारा रिकॉर्ड है स्वतंत्र सेनानियों का, और हमने कई बार कहा है कि उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो दर्ज किया जाए, ताकि बार बार हमें जो चक्कर ना लगाने पड़े और बताना ना पड़े कि हम स्वतंत्र सेनानी परिवारों से हैं या हमारा ये बुजुर्ग जो था स्वतंत्र सेनानी है। अगर रिकॉर्ड में एक बार लिखा जाएगा तो वह हमेशा के लिए जो दर्ज हो। इसी तरह से हमारे पास जो दो प्रकार का रिजर्वेशन चला है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हमारा जो रिजर्वेशन है वो वर्टिकल चला है। हम चाहते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टल किया जाए, ताकि जो पोस्टें सीधी हैं वो निकलें और हमारे बच्चों को जो नौकरी मिले। हमारे बच्चे बहुत सालों से नौकरी के लिए तरस रहे हैं और बेरोजगार हैं, और वो बार बार हमारे पर इसी समस्या को लेकर आ रहे हैं कि हमें नौकरी दिलाई जाए। हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को हम दो बार मिल चुके हैं कि हमारा बैकलॉग जो शीघ्र शीघ्र भरा जाए, ताकि उनके साथ जो न्याय हो सके। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।